Hi student, this is Professor K and a very good morning. Okay. So, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज एटॉमिक नंबर. अपने इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको वो हेलो हेलिना वाली ट्रिक बताई थी, तो उसमें जो सीरियल नंबर थे हर एक फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको मैंने एटॉमिक नंबर बता दिए थे, उनके सिंबल बता दिए थे, उनके नाम बता दिए थे. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का 3 हो गया, एंड सो ऑन अप टू कैल्शियम तक 20 कैल्शियम का हो गया. ऐसे 118 एलिमेंट है तो 118 एटॉमिक नंबर है. हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, बट एटॉमिक नंबर होता क्या है आज हम उस पे डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ये देखिए, ये मैंने एक एटम ड्रॉ कर रखा है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर देयर इन एन एटम. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनको कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और इससे बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. अब इनके नंबर में चेंज आने से प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है. हर एक एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है. बट पहले आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैरीड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट्स इट. ये है एटॉमिक नंबर. किसी एलिमेंट के एटम में कितने, ऑब्वियसली एटम के अंदर न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मैं दोबारा फोकस कर रहा हूं सिर्फ इस वर्ड्स पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो फॉर अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब कोई आयन नहीं होना चाहिए, कैटायन या अनायन, न्यूट्रल होना चाहिए. H है, H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए. सो एल्युमिनियम Al है तो Al3 पॉजिटिव या Al पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वो आयंस होंगे. अब आयंस क्या होते हैं, आने वाले लेक्चर्स में मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि आयन क्या है, कैटायन अनायन क्या है. बट यहाँ पे न्यूट्रल एटम की बात होगी, जो मैंने हेलो हेलिना में वो सारे लिखे थे, वो सारे न्यूट्रल एटम थे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तभी तो एटम न्यूट्रल होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बता चुका हूँ ये पिछली वीडियोस में. इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. तो इनके दोनों के नंबर इक्वल होंगे तभी एटम न्यूट्रल होगा. सो याद रखना है, फॉर एनी एटम, न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल दे रखी है, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं. कैसे पता लगा 2 प्रोटॉन, हेलो हेलिना वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, सीरियल नंबर ही उनके एटॉमिक नंबर है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब ये है हीलियम के एटम के पास 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये सिंपल सा फंडा है, समझ लीजिए इसे, बहुत काम आने वाली चीजें हैं. एंड इससे आगे मैं मास नंबर क्लियर करूंगा. मास नंबर में न्यूट्रॉन्स आपने देखा होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का कोई जिक्र नहीं आया अभी तक. न्यूट्रॉन्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर मास नंबर आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अब ये न्यूट्रॉन्स क्या है. प्रोटॉन्स की बात होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, एटॉमिक नंबर समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो मास नंबर की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव, थैंक यू.